अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इरफान चौधरी स्टॉक। मैं हूं इरफान चौधरी। प्रैक्टिकल काम में और दिमाग में सोचने से बहुत फर्क पड़ता है। देखिए, एक काम जो हो रहा है, एक काम हम सिर्फ सोच रहे हैं, दोनों में जहर सी बात है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एक में आपकी एनर्जी लग रही है, एफर्ट लग रही है आपका, वहां पर भी दिमाग यूज हो रहा है, आप वहां पर लोगों को जज कर रहे हो, अपने काम को जज कर रहे हो, और सबसे बड़ी बात अपने आप को जज कर रहे हो। आप उस जगह पे खड़े होगे जहाँ पे आप कुछ प्रैक्टिकल काम कर रहे हो। इसी तरह ख्वाहिशात का होना और मकसद का होना, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। ख्वाहिशात होती हैं हमारे दिल में चल रही है, लेकिन मकसद नहीं है उसका। मकसद क्या है कि उन ख्वाहिशात को पाना कैसे है, उन ख्वाहिशात को हासिल कैसे करना है, उन ख्वाहिशात के पीछे जाना कैसे है, या एफर्ट कैसे करनी है, ये डिफरेंस आ जाते हैं। जब इंसान का मकसद होता है ना, देखिए आपका मकसद है कि आपने ना एक HR बनना है, या आपने मेजर बनना है, या आपने CEO बनना है, ये देखिए मकसद है। वॉइस थी पहले, लेकिन उसको आपने मकसद बना के इस पे एफर्ट की, आप उसके बाद आप जाके किसी पोस्ट पे लगोगे और वहां से आप एफर्ट करोगे, अपनी ख्वाहिशात अपने मकसद पे पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आप जस्ट ख्वाहिशात अपने दिल के अंदर रखोगे, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे देखिए आज की दुनिया कितनी तेजी से तब्दील हो रही है, कितनी चेंजिंग आ रही है, हर दौर के अंदर, हर एक दो मंथ के अंदर, हर सेकंड के अंदर चेंजिंग आ रही है। हद तक इतनी तेजी से चेंजिंग आ रही है, उतनी तेजी से क्या बात, हम अपने अंदर चेंजिंग कर रहे हैं, हमें ये चीज सोचनी चाहिए। देखिए आप ये सिर्फ ये सोचें, ये 2-3-4 दिन के अंदर आपने क्या न्यू सीखा है, या क्या न्यू किया है, या क्या न्यू आप करने का सोच रहे हैं आगे, आपको पता चल जाएगा आप किस लेवल पे हैं। आप दुनिया के मुताबिक भी ना चेंज हो, तेजी से भी ना चेंज हो, लेकिन माइनर सा चेंज हो जाए ना, पॉइंट्स का तो चेंज आ जाए ना आपके अंदर, ये बहुत बड़ा चेंज होता है। अपने आप को समझ के उसके अंदर चेंजिंग ले आना, ये बहुत बड़ी चेंजिंग है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज गाड़ी चेंज हो रही है, कितनी तेजी से चेंज हो रही है, हत्ता के ड्राइवर लेस ड्राइवर्स की जरूरत नहीं है, गाड़ियां यहाँ तक चेंजिंग आ रही है। क्या हम इस तरह चेंजिंग अपने आप को चेंज कर रहे हैं, क्या हम इस लेवल का सोच रहे हैं, इस लेवल का हम कुछ करने का देख रहे हैं, या कुछ करना चाहते हैं, ये चीज है। इसका इनिशिएटिव कहाँ से है? देखें, कोई भी बंदा इस तरह नहीं बन जाता, इसको सुन सुन के भी नहीं बन जाता, बुक्स भी बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती है। आपका नॉलेज कहाँ से इंक्रीज हो रहा है? आप इसे लेक्चर ले रहे हैं, उसके बाद आके खुद बुक्स पढ़ रहे हैं, उस खुद बुक पढ़ने पे कुछ भी नहीं आपको हासिल हो सकता उस वक्त, जब तक आप कुछ एनालिसिस नहीं करेंगे, क्रिटिकल सोचेंगे नहीं, या कुछ करने का सोचेंगे, या उस बुक का पढ़े उसका मतलब अपने हिसाब से नहीं निकालेंगे, अपनी सोच नहीं डेवलप करेंगे। देखिए आपके अंदर कभी भी सोच आ ही नहीं सकती जब तक आप किसी को देखते नहीं है, या माइंड नहीं यूज करते, या बुक्स नहीं पढ़ते, या कुछ आप वीडियोस नहीं वॉच करते। सिंपल सी बात है, कैसे चेंजिंग आएगी? आप जब खुद अपने माइंड के अंदर कुछ ना कुछ सोचेंगे, फिर चेंजिंग आएगी। तो मकसद की वजह से कुछ इंसान सोचता, कुछ करता है, कुछ लोगों से मिलता है, कुछ लोगों से सीखता है, वो मकसद की वजह से होता है। इसी तरह सिंपल सी बात है, आप कोशिश करें कि आप देखेंगे यार दुनिया कहाँ पे चेंजिंग आ रही है, और मैं कहाँ तक चेंज हो सकता हूँ, या मेरी क्या फील्ड है, या मुझे क्या करना चाहिए। जस्ट आप इतना सोचें, ये आपके लिए इनफ होगा। और उम्मीद है कि आप इसके बारे में ये भी सोचें कि आपने कल या परसों या आज का दिन किस तरह गुजारा है, और मुझे कल का दिन किस तरह से गुजारना चाहिए, लाजमी इसके बारे में सोचें। देखे ना, आप जब आप सोचेंगे तो आप खुद स्टेप्स लेंगे, या ये जो था मैंने काम किया था ये गलत था, अभी मैं जो काम करूंगा ये बेहतर करूंगा, या ये काम होना चाहिए। आखिर में अल्लाह ताला के साथ, अल्लाह ताला से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की तौफीक के साथ।